और कृपा का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं, जिसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। उस्ताद का रुतबा वालदैन के रुतबे के बराबर होता है। अगर उस्ताद की तारीफ सुनना चाहते हैं तो सुनिए। उस्ताद वो है जो पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है। उस्ताद वो है जो लोहार भी है। उस्ताद वो है जो किसान भी है। उस्ताद वो है जो मेमार वतन भी है। अलहर उस्ताद हर लिहाज से वाजिब एहतराम है। इमाम हज़ाली ने भी उस्ताद के बारे में फरमाया कि मेरे हकीकी बाप ने मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया, मगर मेरे रूहानी बाप ने मुझे ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। हज़ा के मौसम में भी बहार देते हैं, हज़ा के मौसम में भी बहार देते हैं। उस्ताद तरबियत से तलबा को निखार देते हैं। हाजीन कराम, सरवर कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को मालूम करार देकर उस्ताद को सबसे आला बना दिया। इस्लाम ने उस्ताद को रूहानी बाप करार दिया, बल्कि मेरा तो ये दावा है कि जिस तरह फूलों को महक की ज़रूरत होती है, चांद को दमक की, सूरज को चमक की, रूह को जिस्म की, इस तरह मुआशरे को उस्ताद की ज़रूरत होती है। पेश रूह है, पेशवा है तू, इमाम तेरी अजमत तेरी रिफत को सलाम। ए मेरे उस्ताद का तू है निशान, तेरी अजमत तेरी रिफत को सलाम। इल्म व असमत का अलमबरदार है तू, काफले वक्त का सलार है तू। इस जमाने में जहालत के खिलाफ हर वक्त बरसरे पेकार है तू। इज्जत के गुर बताए रुसवाई के जनन भी, जीने का फन सिखाया मरने का पाकपन भी। इज्जत के गुर बताए रुसवाई के जलन भी, कांटे भी राह में है फूलों की अंजुमन भी। तुम फख्र कौम बनना और नाजिशे वतन भी, है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को